हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। यानी कि किसी स्कूल में 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में यानी 6 लगातार साल में कितने बच्चे थे वो हमें यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर जो ये डाटा गिवन है हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आया और न्यूमरेटर में हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया है क्योंकि हमें न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए और अपॉन में हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपॉन में हमने लिखा 6। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 12,348। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 12,348, अपॉन में 6 है वो यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है 12,348 को 6 से। ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2, 3, 6। अब यहाँ पर देखिए 2, 6, 12, इसके बाद क्या बचा? 3, 2, 1, 2। 3 में से 2 क्या 1 बचा? 1 एंड 4, 14। 2, 7, 14, इसके बाद है 8, 2, 4, 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा? 6,174 और अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में? 3। अब ये दोनों भी आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं। अब हम इन दोनों को 3 से काटेंगे। देखिए 3, 1, 3। अब यहाँ पर देखिए 3, 2, 6, 6 कट गया, इसके बाद बचा 1। अब 1 को तो हम 3 से नहीं काट सकते तो हमें अगला नंबर कैरी करना पड़ेगा। तो जब हम अगला डिजिट यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। जब भी आप किसी डिजिट को काटे बिना अगली डिजिट कैरी करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 लगाना होता है। अब यह बन गया 17। 3, 5, 15। 17 में से 15 गया, 2 बचा, 2 एंड 4, 24। 3, 8, 24। तो जब हमने 12,348 को 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 2,058। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 2,058। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं हैंस द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2,058। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।